हेलो स्टूडेंट्स, तो पेडिग्री एनालिसिस सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग वाई लिंक्ड को लेके थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखिए इस वीडियो में, सॉरी इस पेडिग्री में सिर्फ मेल्स आर अफेक्टेड है, तो ये वाई लिंक्ड होने का चांस ज़्यादा है। सिर्फ मेल्स कब अफेक्टेड होगा वाई लिंक्ड होने से, लेकिन ये मत समझ लेना कि अगर कोई भी पेडिग्री मिला जिसमें सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है तो वही वाई लिंक्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन ये जो पेडिग्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाई लिंक्ड डिजीज़ है। देखिए वाई क्रोमोसोम में अगर ऐसा कोई जीन प्रेजेंट हुआ जिसके कारण से अगर कोई ट्रेट एक्सप्रेस होता है या फिर कोई डिजीज़ आ जाता है, तो वाई क्रोमोसोम तो मेल के पास एक ही रहता है। अब वो मेल जो होगा वो जितना भी वाई कंटेनिंग स्पर्म बनाएगा सब में वही वाई जाएगा, एक ही वाई है। तो अगर इसमें वो वाई क्रोमोसोम में वो जीन रहा जिसके लिए वो डिजीज़ होता है, तो ये जो जो भी एंड्रोस्पर्म बनाएगा, एंड्रोस्पर्म मतलब वाई कंटेनिंग स्पर्म, तो सब में वही जीन जाएगा। तो इसका जितना भी बेटा होगा, बेटे को तो वाई क्रोमोसोम मिलता है अपने पिता से और पिता में तो एक ही वाई क्रोमोसोम है, तो वही वाई क्रोमोसोम उसके बेटे में भी आ जाएगा, मतलब उसमें भी वो डिजीज़ आ जाएगा। देखिए इसका दो बेटा है, दोनों ही वो डिजीज़ से अफेक्टेड है। ये तो बेटी है, इसका डिजीज़ नहीं है, और ये तो आउटसाइडर है, मतलब ये बेटी का जो हस्बैंड है ये तो आउटसाइडर है, दूसरे फैमिली से आया है, तो इसको छोड़ दो। इस तरफ देखो, इस फैमिली का जो हिस्ट्री है ये अफेक्टेड है, इसका हर बेटा अफेक्टेड है। देखो ये अफेक्टेड है, इसका देखो एक बेटा एक बेटी, तो ये बेटे को तो वाई क्रोमोसोम अपने पिता से ही मिला, तो ये भी अफेक्टेड हो गया। इसका देखो दो बेटा है, दोनों ही बेटा अफेक्टेड हो गया। तो ये जो पेडिग्री है वो वाई लिंक्ड है। अगर ये सब जो मेल्स है इस तरफ का, वो तो आउटसाइडर का है, इस तरफ का जो मेल्स है, अगर इसमें से एक भी मेल अगर नॉर्मल हो जाता तो भी ये पेडिग्री कैसा रहता कि ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। सोचो कि ये जो मेल है ये नॉर्मल है, तो देखिए फिर भी इस पेडिग्री में सिर्फ मेल ही अफेक्टेड होता, लेकिन तब ये वाई लिंक्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ये अगर नॉर्मल होता मतलब इसका जो वाई क्रोमोसोम है वो भी तो अपने पिता से मिला है। अगर वाई लिंक्ड ही होता तो ये भी अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये अफेक्टेड है इसीलिए ये वाई लिंक्ड हुआ। अब वाई लिंक्ड होगा तो इसमें जेनोटाइप निकलना पड़ेगा। हम लोग वाई प्लस को पकड़ लेते हैं, वो म्यूटेंट वाई जो डिजीज़ के लिए मेन कॉज है, और नॉर्मल वाई मतलब नॉर्मल वाई मतलब ये डिजीज़ ये क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। ये म्यूटेंट वाई प्लस मतलब म्यूटेंट और वाई मतलब नॉर्मल। अब मेल में एक ही वाई रहता है, मैंने वाई को क्यों पकड़ा वो बाद में बोलता हूँ। अब देखिए जो भी मेल्स जो है वो अफेक्टेड है उसमें एक एक्स रहता है, दूसरा वाई रहता है। अब ये वाई कौन सा वाई होगा, म्यूटेंट वाई होगा ना। तो ये जो अफेक्टेड मेल्स है इसमें आप एक्स वाई प्लस बैठा दो, एकदम आँख बंद करके एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस। अब मैंने y क्यों पकड़ा था, y मैंने पकड़ा था इन लोगों के लिए। इसमें भी तो y है, यह मेल है, लेकिन इसका जो y है वो y है नॉर्मल y, मतलब इसमें वो डिजीज कॉजिंग जीन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने y प्लस पकड़ा और y पकड़ा। एक मेल में दो y होता नहीं है, ठीक है। अब जो फीमेल्स है इसको आप एक्स एक्स बैठा दो, इसमें तो y का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तुम एक्स एक्स ऐसे बैठा दो, ठीक है। तो वाई लिंक्ड कब होगा पता चल गया। अब मैं ये इसको जो मैंने कहा कि अगर वो मेल नॉर्मल होता तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर अगर ये मेल नॉर्मल होता तो ये कभी भी वाई लिंक्ड नहीं होता। अब आते हैं हम लोग, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखो अफेक्टेड कोई ना कोई अफेक्टेड तो स्किप नहीं हुआ, अफेक्टेड कोई ना कोई अफेक्टेड, अफेक्टेड उसके बेटे में कोई ना कोई अफेक्टेड, तो स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हुआ। इस तरफ देखो फादर मदर दोनों अनअफेक्टेड, उसका दो बेटा है वो भी अनअफेक्टेड, तो
तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन हुआ, तो यहाँ पे भी स्किप नहीं हुआ, तो ये डोमिनेंट पेडिग्री है। अब डोमिनेंट पेडिग्री हो गया, अब मतलब वाई लिंक्ड नहीं हुआ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हुआ, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हुआ। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या कोशिश करेंगे, पहले हम लोग कोशिश करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को प्रूव करना। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को प्रूव नहीं कर पाए तब ये बन जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था याद कीजिए, कि अगर कोई फादर अफेक्टेड होगा तो उसका हर डॉटर अफेक्टेड होगा। देखिए अफेक्टेड फादर, लेकिन उसका डॉटर जो है वो अनअफेक्टेड है, तो ये कैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, कभी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो देखो एक सिर्फ चेंज होने के कारण से वाई लिंक्ड पेडिग्री बन गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो सिर्फ मेल्स को अफेक्टेड देख के ही कभी भी वाई लिंक्ड पेडिग्री मत बोल देना, पूरा एकदम सब मेल्स को अफेक्टेड होना पड़ेगा, मतलब एक फैमिली का। ये आउटसाइडर है इसलिए इसका बेटा भी अनअफेक्टेड हुआ, लेकिन अगर ये मेल अफेक्टेड होता तो ये वाला पेडिग्री हो जाता वाई लिंक्ड पेडिग्री। जैसे ही इसको हम लोग नॉर्मल कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो पेडिग्री में इतना ही। अगर आपको कोई पेडिग्री अटक जाता है तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पे मुझे आप पेडिग्री का फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सअप कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग पेडिग्री हुआ तो उसको लेके मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।